हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंदु डिज़ाइनर पर। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, और आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक नेट फैब्रिक 1 मीटर लिया है। ये नेट फैब्रिक है, इसके अंदर मैं एक शाइनिंग फैब्रिक लगाऊंगी, सैंटून फैब्रिक। उसके अंदर एक और कॉटन फैब्रिक भी लगाऊंगी। अगर उसमें कप्स अटैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। ये मेजरमेंट्स है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट नहीं कर सकते। हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम पेपर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ ले रहे हैं हम 15 इंच ले रहे हैं, तो 15 इंच पे हमने मार्क कर लिया है लेंथ। अब हम बोट नेक बना रहे हैं, तो हाफ ऑफ शोल्डर यहाँ पे हमको मार्क करना है। तो शोल्डर है 14 इंच, हाफ मैंने 7 इंच पर मार्क कर लिया, और यहाँ पर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म राउंड के लिए। और जो बस्ट है वो है 40 इंच, तो 1/4 से डिवाइड करके हमने उससे निकाला 10 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए हम लेंगे, तो टोटल 12 इंच पे हमने मार्क कर लिया। सेम वेस्ट राउंड पे भी हम वैसे ही करेंगे और 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच हम लेंगे और यहाँ से नेक डेप्थ लेंगे, नेक डेप्थ बनाएंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन लेते हैं। यहाँ पे हाफ लेकर हम आर्म राउंड कर्व का शेप देंगे। ये जो है फ्रंट है, और ये फ्रंट कर्व है जो मैंने अंदर से दिया है फ्रंट आर्म राउंड कर्व, और जो मैंने बाहर से दिया है वो है बैक आर्म राउंड कर्व। तो ये फ्रंट एंड बैक को मैं एक साथ ही कट कर लूँगी। एक साथ कट करने के बाद फ्रंट एंड बैक हम अलग अलग कर लेंगे। मैं इधर कट कर रही हूँ, लेकिन फैब्रिक में जब हम कट करेंगे तो हमको यहाँ पे फोल्ड रखना है, ऑन फोल्ड रखना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट ब्लाउज़ का फ्रंट साइड, और नेक की जो डेप्थ हम ले रहे हैं 6 इंच ले रहे हैं, तो 6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, और 3 इंच से 6 इंच का जो लेंथ रहेगा वहाँ पे ट्रांसपेरेंट पोर्शन रहेगा, इसलिए हमने 2 जगह पे मार्किंग की है। तो यहाँ पे दे रहे हैं राउंड नेक, और यहाँ से 3 इंच हम मार्क कर लेंगे बराबर, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो बराबर आए। और इसे भी ऐसे जॉइन कर लेंगे, और ये जो बीच का पार्ट है ये नेटेड पार्ट रहेगा, मीन्स ट्रांसपेरेंट पार्ट रहेगा। तो ये आपको संभाल कर रखना है, इसे ही हम रख कर फैब्रिक पे कट करेंगे। सेम वैसे ही बैक पे करेंगे, बैक पे मार्किंग करेंगे। 2 इंच पे हमने मार्क कर लिया, टोटल 2.5 इंच पे मार्क करेंगे नेक, और बाकी जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन रहेगा वो लेंथ आप कितना भी ले सकते हैं। यहाँ पे राउंड नेक देंगे यहाँ पर भी, और जो हम टोटल ट्रांसपेरेंट वाली जो लेंथ लेंगे वो लेंगे 10.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पे भी राउंड नेक देंगे। आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से बनकर आएगा इसका शेप बनने के बाद। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट ने हम निकालेंगे, 8 है तो 4 पे हमने मार्क कर लिया। 2 इंच इसकी डेप्थ लेकर हम यहाँ पे एक कर्व शेप दे देंगे इस तरीके से। और
इसे हम कट कर लेंगे। ये जो एरिया है ये नेट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा ये वाला पोर्शन, और ये जो अभी मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे ओपन रहेगा। ये हमारा फ्रंट एंड बैक की कटिंग हो गई है, और ये जो एरिया है यहाँ पे अस्तर लगा रहेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 9 इंच, तो 9 इंच पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पे कैप हाइट हम लेते हैं 3 इंच, तो 3 इंच पे भी एक लाइन मार्क करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन। और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे 9 इंच पे हाफ ऑफ आर्म राउंड जो हमारा है उस वो हम मार्क करेंगे। 9 इंच पे मैंने यहाँ मार्क किया है। दोनों को इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, और जो स्लीव राउंड है उसका आप हाफ लें। यहाँ पे मैं यहाँ 8 इंच ले रही हूँ। वन सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर ऐसा देते हुए हम यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कर्व ड्रॉ कर लेंगे स्लीव के लिए। ये बैक के साइड का हो गया, और अंदर फ्रंट के लिए थोड़ा सा हम अंदर कर्व देते हुए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग मैं बता रही हूँ इसे आप संभाल के रखें। आप कोई भी ब्लाउज़ बनाएंगे तो ये स्लीव को तो एटलीस्ट आप संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि यही स्लीव को आप यूज़ करके सारे ब्लाउज़ बना सकते हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये हमने फैब्रिक पे इसे प्लेस कर लिया है। ये है फ्रंट, तो फ्रंट को इस तरीके से प्लेस करके हम इसकी हाफ हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। अभी पूरा फुल फ्रंट हम कट कर रहे हैं एक साथ, और उसमें जो ये बीच आप कट दिख रहा होगा आपको 6 इंच के नीचे वाले जो साइड है उसके नीचे लगेगा अस्तर। तो पेपर से जब भी आप फैब्रिक पे कट करें तो हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर ही कट करें। ऐसे ही हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बीट की पिन की मदद से सिक्योर कर लें कपड़े और पेपर को, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे मार्किंग क्या नेट कपड़े में अच्छे से होती नहीं है, तो मैंने पिन से ही इसे सिक्योर कर लिया है ताकि वो पेपर इधर उधर ना हो, ड्राफ्टिंग पेपर जो है इसलिए। अब ये वाला पोर्शन को हम कट कर लेंगे। ये जो है नेटेड पोर्शन रहेगा, बाकी जितना बचा हुआ पार्ट है उसमें हम अस्तर कट करेंगे। उसके बाद स्लीव्स भी वैसे ही कट कर लेंगे। जो भी ड्राफ्ट हमने कट किया था उसे वैसे ही रखकर हाफ हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं स्लीव्स की, मैंने 9 इंच रखा है, आप कम थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे अभी फैशन इतना ही है, 9 लेंथ का ही फैशन अभी चल रहा है। जो एल्बो लेंथ है वहाँ तक चल रहा था, लेकिन उसे थोड़ा कम हो गया है अभी। तो अभी हम ये जो है सैंटून फैब्रिक है, इसे मैंने 1/2 मीटर लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे ना स्लीव्स में लगाना है और ऊपर भी बोट नेक है तो ट्रांसपेरेंट पोर्शन ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है सैंटून फैब्रिक, 1/2 मीटर ही लिया है। तो जहाँ जहाँ पर हमको फुल अस्तर वाला फैब्रिक चाहिए उसी में ही हम ये वाला पार्ट को कट करेंगे, ड्राफ्ट का ये पार्ट कट करेंगे। तो वैसे ही 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए आप मार्क कर लें। ये फैब्रिक में आसानी से मार्क हो जाता है, तो आप मार्क कर लें।
तो मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से ये आएगा स्टिच होने के बाद। ऐसे स्टिच होने के बाद ये इस तरीके से लुक आएगा, आपने फ़ोटो पे देखा ही होगा थंबनेल पे, इस तरीके से आएगा बनकर। ओके, उसके बाद ये है कॉटन फैब्रिक, इसके अंदर मैं एक और कॉटन फैब्रिक लगा रही हूँ कम्फर्टनेस के लिए, क्योंकि सेंटून थोड़ा सा स्लीपरी होता है तो मैंने उसमें थोड़ा सा कॉटन लगा ली। चाहे तो आप उसमें कप्स भी लगा सकते हैं। अभी स्टिचिंग के लिए दोनों फैब्रिक को पकड़कर, सेंटून एंड कॉटन फैब्रिक को एक साथ पकड़कर मैंने स्टिच कर लिया है, देन उसे वापस पलट देंगे। यहाँ पे मैं नॉच दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से पलटे। आप नॉच नहीं देंगे तो कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो कट्स देना ज़रूरी है। जब यहाँ पे भी फोल्ड्स आए, जहाँ पे भी आपको टर्न करना है, तो मैंने यहाँ स्टिच करके इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे, पलट कर स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसे नेट के ऊपर, नेट के अंदर हम स्टिच कर लेंगे। तो वो भी आप ध्यान रखें, जब भी नेट के अंदर स्टिच करें तो क्या बहुत खसकता है कपड़ा, तो इसे भी अच्छे से पिनअप कर लें, क्योंकि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वैसा एंड आता नहीं है। तो अच्छे से उसे पिनअप कर लें, बराबर रख कर पिनअप कर लें, उसके बाद ही उसे स्टिच करें। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा और आपकी भी सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये सब फिनिशिंग देने में। तो ये फ्रंट हमने अटैच कर लिया है, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट है। अब हम इसके डार्ट्स मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर पॉइंट से हम लेते हैं नीचे 10 इंच पे, जो डार्ट पॉइंट होता है 10 इंच होता है, सब सारे केस में 10 इंच ही रहेगा। और ये जो रहेगा ये 1/10 ऑफ बस्ट राउंड लेते हैं हम, इस केस में 40 इंच है, तो हमने 4 इंच पे मार्क किया। 1 इंच डाउन लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच का डार्ट देंगे, हाफ लाइन के उधर हाफ इधर। तो जैसे मैंने मार्क किया है वैसे ही डार्ट देना है, वैसे ही दूसरे तरफ भी हम डार्ट देंगे। तो मैं वैसे ही मार्क कर लेती हूँ, अलग से आपको चौक से मार्क करने की ज़रूरत नहीं है मेजर करके। इस तरीके से हम मार्क करेंगे। और अगर इसमें आप कप्स लगाना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप चाहे तो ब्लाउज़ में कप्स भी लगा सकते हैं। तो फ्रंट हमारा फिनिशिंग हो गया है, सेम वैसे ही हम बैक की फिनिशिंग करेंगे। ये अस्तर वाला जो दोनों कपड़ा है उसे एक साथ स्टिच करके फिर उसे वापस पलट देंगे और नेट फैब्रिक ऊपर से लगाकर उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो पिनअप अच्छे से कर लें जैसा कि मैंने फ्रंट पे बताया था, और यहाँ फिनिशिंग कर लेंगे हम, और यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमने एक साइड कर लिया है, दूसरा साइड भी हम वैसे ही स्टिच कर लेंगे। यहाँ स्टिच करके उसे पलट के नेट पे फिक्स कर लेंगे, नेट पे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से आएगा। इस पर भी हम सबको शोल्डर जॉइन करने के बाद यहाँ पे ये कर्व जो हमने दिया है, जो बीच में गैप दिया है, उसे भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। बैक पे भी यहाँ पे डार्ट देना होता है, दोनों को जस्ट हाफ करके आप डार्ट दे दें। यहाँ पे हम हुक पट्टी लगाएंगे, तो ये डार्ट्स हम दे रहे हैं बैक पे भी। फ्रंट एंड बैक डार्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम जॉइन कर रहे हैं शोल्डर्स।
हमने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे हुक पट्टी भी लगा ली है बैक पे। अब इसके जो नेक है उसकी फिनिशिंग हम करेंगे यहाँ से, पूरा तरीके से पूरा इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अस्तर का हमने कपड़ा लिया है सैंटून वाला शाइनिंग वाला, उसे हम क्रॉस में ऐसे कट करेंगे, 1.5 इंच की पट्टी ऐसे कट करेंगे। ऐसे कट करके एक बड़ी सी स्ट्रिप बना लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे स्टिच करते जाएंगे कॉर्नर्स पे, ऐसे पूरा राउंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ हम बटन लगाने वाले हैं डिज़ाइनर बटन, वहाँ पे थोड़ा सा मोड़ने के लिए तकलीफ़ होगा, लेकिन प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। तो ऐसे ही पूरे पूरे नेक पे ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, नॉच लगाएंगे। नेक की फिनिशिंग हम जब भी देते हैं तो हमेशा कट्स लगाना ज़रूरी होता है, तभी अच्छे से फोल्ड्स होता है, सब फिनिशिंग अच्छे से आती है। अब ऐसे मोड़ के हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे कॉर्नर्स पे, ऐसे स्टिच करते जाएंगे फोल्ड करके। देन उसके बाद हम उसकी हेमिंग कर लेंगे, या फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेमिंग किया था, ऐसे मोड़ कर नीचे हेमिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं नेक की फिनिशिंग हो गई है, नीचे से मैंने हेमिंग कर लिया है इसे अंदर से। अब हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव्स, ये हुक पट्टी भी लग गई है, इसमें हम लगाएंगे हुक्स एंड आई बनाएंगे सुई धागे से। यहाँ पे लगेगा एक बटन, डिज़ाइनर बटन, एक लूप बनाकर वो फिक्स कर लेंगे उसे। नीचे की भी फिनिशिंग हमने कर लिया है, वैसे ही स्ट्रिप अंदर का अस्तर का स्ट्रिप काट कर अस्तर वाले कपड़े को, और जस्ट उसे स्टिच करके वापस पलट कर सिल दिया है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों की मैंने नीचे की फिनिशिंग भी कर ली है। यहाँ पर हम लगाएंगे अब स्लीव्स, स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमको साइड से स्टिचिंग करना होगा फिटिंग के लिए, उसके बाद ये ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा ब्लाउज़ पूरा बनाने का तरीका क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी है इंदु डिज़ाइनर, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और यहाँ वेस्ट की जो फिटिंग है, यहाँ पे 31 इंच, तो हाफ़ करके मैंने 15.5 इंच पे मार्क कर लिया। बस्ट राउंड जो है वो 40 इंच है, तो फिटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे भी वैसे ही मार्क कर लिया है। ऐसे मार्क करते हैं हम साइड्स पे, और आर्म राउंड है 18 इंच, तो उसके हिसाब से हम मार्क करेंगे हाफ़ लेते हुए। तो हाफ़ आ रहा है 19 इंच था, तो 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, 9.5 इंच, 19 आर्म राउंड था। स्लीव पे भी आपका जितना भी स्लीव राउंड है आप मार्क कर लेंगे वहीं पे। ट्वेल्व है तो 6 इंच पे मार्क कर लें।
इस केस में तो 12 था, तो मैंने 6 इंच पे मार्क किया। ऐसे ये भी सारे मार्किंग पे हम स्टिचिंग कर लेंगे, देन हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, ब्लाउज भी रेडी हो गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लाउज़ हमारा बनकर रेडी हो गया है। आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए ट्यूटोरियल्स के साथ। आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस टाइप का वीडियो डालूं, क्या वीडियो किसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।